हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि आप देख रहे होगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नोटिफिकेशन आ चुके हैं नाविक जीडी के लिए। ठीक है, तो इसकी जो डेट और जो सॉरी जो एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसके 21 से 31 जनवरी से अब निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन के लिए निकलेगा, इसलिए रेडी रहना। और मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस और कब एडमिट कार्ड आएगा तो सब कुछ बता देता हूँ इसका। ठीक है, और कैसे भरना है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें बोला है मैथ्स और फिजिक्स में प्लस करके, यानी कि मैथ्स और फिजिक्स के नंबर ऐड करके आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, तो आपका ओवरऑल ये है, अगर मैथ्स में आपके 50 से नीचे है और फिजिक्स में आपके कुछ 60 या मिला के मतलब 50% बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हो। मतलब मैथ्स प्लस फिजिक्स इक्वल्स टू 50% होने चाहिए आपके। ठीक है, और बाकी 5% रिलैक्सेशन होगा अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, और अगर स्पोर्ट्स वगैरह में आपका नेशनल लेवल सर्टिफिकेट है कोई फर्स्ट सेकेंड पोजिशन या थर्ड के लिए, ठीक है, तो आपका 5% रिलैक्सेशन है नंबर पर, यानी कि 45% पे आपका भरा जा सकता है। बात करते हैं अगली, एज चाहिए 18 ईयर से मैक्सिमम 22 ईयर। ठीक है, यानी कि 1 अगस्त 1997 से आपकी 2001 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। और SC ST के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, और OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है इसमें। ठीक है, बात करते हैं अब जो इसकी सैलरी है, इंडियन कोस्ट गार्ड आपको 21,700 रुपये देगा एज पर लेवल 3 के हिसाब से। ठीक है, प्लस इसके DA और आपके अदर अलाउंस भी इसमें जो सरकारी वगैरह को मिलते हैं आपके, तो सारे उसमें ऐड हो जाएगी ये 21,700 आपके जो आपके हाथ में आएंगे सिर्फ। ठीक है, बात करते हैं प्रमोशंस की आपकी, तो प्रधान अधिकारी रैंक तो होती है जो सबसे हाईएस्ट होती है इसमें नाविक सेलर में, नाविक कोस्ट गार्ड में। ठीक है, तो उसकी जो ओवरऑल तनख्वाह होती है पे 8 के हिसाब से लेवल 37,600, और अदर अलाउंसेस में अलग होते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स आपको राशन कार्ड मिलेगा, क्लोथिंग, एग्जिस्टिंग टूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये फैमिली वगैरह के लिए सेफ है सब, बाकी जो और उसमें गवर्नमेंट उसमें ऑर्गेनाइजेशंस में होता है सब सेम है। ठीक है, बाकी 45 डेज की आपकी लीव मिलेगी, 8 दिन की कैजुअल है। ठीक है, लीव और ट्रैवल कंसेशन भी मिलेगा फैमिली डिपेंडेंट पेरेंट्स। ठीक है, बाकी उन्हें भी क्या मिलेगा, कंसेशन मिलेगा ट्रैवलिंग में। बात करते हैं अब पेंशन सीम वगैरह, तो ये आपका आई है इसमें, और अब बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है इसे। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पर जैसे कि 21 से 31 जनवरी है, याद रखना। ठीक है, शाम 5 बजे तक आपका भरा जा सकता है फॉर्म। आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने हैं भरते समय, 10th क्लास सर्टिफिकेट जो आपका आई है, ठीक है, और 12th का, ये याद रखना। अगर आपके 59.99% है तो आप उसे 60 नहीं लिख सकते, इनका कहने का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपके 59.99 है तो 59% ही आपको फिल करना है। ठीक है, और ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर ये आपका कंपलसरी है, ये सब तैयार रखना आपका। ठीक है, बाकी आपका जो सेंटर वगैरह है आप फिलअप करना है इसमें, और इसमें आपका फिल करोगे तो बस जो आपका बस ये साइज़ देख लो, यहाँ पर 10 से 40 के भी है तो खैर नॉर्मल है, आप देख सकते हो इसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने इसमें बता दी है। और जो एडमिट कार्ड आएगी ये इंपॉर्टेंट याद रखना, कई बच्चे ऐसा होता है फॉर्म भर देते हैं और एडमिट कार्ड नहीं निकल पाते, उन्हें याद आता है 22-23 फरवरी को कहीं याद आया तो एडमिट कार्ड तब नहीं निकलेगा। अगर 11 से 21 के बीच आपका एडमिट कार्ड आया है तो अगर इतनी डेट है 11 से 21 के बीच, तो आपको इसी दिन इसके बीच में एडमिट कार्ड निकालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपकी साइट क्या हो जाएगी, वो हट जाएगी फिर। ये सारी इसमें था। ठीक है, 3 कॉपीज़ आपकी एडमिट कार्ड की, जब आपका एग्ज़ाम देने जाओगे आप तो 3 कॉपीज़ जो आपकी एडमिट कार्ड की है वो लेके जानी है। ठीक है, और पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 3, और क्या बोलते हैं आपका जो आधार कार्ड वगैरह जो भी एक डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाना है, और 10th 12th की मार्कशीट होगी आपकी, पासिंग सर्टिफिकेट हो गया आपके, और डोमिसाइल हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको निकाल ले जाना है, और आपका अगर कास्ट वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको ले जाना है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, 31 जनवरी तक आपका सिर्फ फॉर्म भरने की तारीख है, 5 तारीख तक, सॉरी 5 बजे तक। तो ये आपके सारे सेंटर आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपका कॉल लेटर आएगा। ठीक है, बाकी हर स्टेट में अपनी अलग कट ऑफ होती है, तो वो आपके डिपेंड है आप कहाँ से हो और कितनी परसेंटेज वहाँ कट ऑफ जाती है कॉल लेटर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रन होगी 7 मिनट में, जबकि आपको कंप्लीट करनी है 20 स्क्वाड्स होते हैं, 10 पुशअप्स। ठीक है, तो यही सारी चीज़ इसमें होगी, जितना इसमें लिखा है वैसे इससे आसानी होता है फिजिकल इसका। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, और आपका जिस दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट रिटर्न टेस्ट के दिन ही हो जाता है, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो आपको शू वगैरह बैग में ले जा लेना अपने ट्राउजर्स वगैरह, जिससे वहाँ आपको कोई दिक्कत ना आए। और आपका जून जुलाई में आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपका छिलका में मेडिकल होगा इसमें, जहाँ पर आपको फिट एंड फिट करा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट आती है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख लो यहाँ पर आप, ये एडमिट कार्ड, लेटेस्ट फोटोग्राफ, 10th 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होगी। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कास्ट का,
तहसीलदार से होना चाहिए या मैजिस्ट्रेट से, ठीक है, डोमिसाइल आपका, और आइडेंटिटी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, जो भी आपके पास हो, SC ST OBC सर्टिफिकेट हो गया आपका, वो भी याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई बंदा यूपी उत्तर प्रदेश का है तो यूपी गवर्नमेंट का होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट। तो दो टाइप के बनते हैं सर्टिफिकेट, या तो स्टेट वाले बनते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बनते हैं, तो आपको वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, 10 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, ये ले जाने आपको, ये आपका सारा रिटर्न के दिन ले जाना है, उसी दिन आपका मेडिकल हो जाए, और उसी दिन, सॉरी, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर चाहिए, और चेस्ट आपकी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, वेल प्रोपोर्शन होनी चाहिए, तो नॉर्मल है, खैर ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब ठीक है ऐसी। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ अच्छे से अपना रेडी कर लो और अपना फॉर्म भर देना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना।